इस कायनात में मौजूद आधे हुस्न के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज की गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मिस्री और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर इख्तिलाफ हो गया? आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज उस ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं? अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत हुसन और बेहतरीन आवाज वाला बनाकर माबूज फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुसन से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसन का आधा हुसन अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे तवील किस्सा है कि किस तरह सोतीले भाइयों ने आपको हसद के बिना पर कनवे में फेंक दिया, आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम भेज दिया गया और अजीजे मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा लिया। लेकिन उन तमाम मसाइबों और मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हजरत यूसुफ एक दिन मिस्र के ताकतूर हुक्मरान के अहदे तक पहुंच गए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के लाने पर फाइंड सो निकल पे फोर्स के मस्ट एनएफ दिस कट वंदर सने से मिलने का विल का सीन मोटिव और पहला कलग इस तमिस का मौका इस्लाम मच्छ बने हमें सने से मौला करें लपोट हम और दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहे। रिवायतों के मुताबिक हजरत यूसुफ के पूरे खानदान यानी बनी इसराइल, आपके 11 भाई, उनकी अहलिया बच्चिए और हजरत याकूब के पोते पोतियां सब ने मिस्र में आकर सुकून इख्तियार कर ली और मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को जमीन का एक टुकड़ा अता किया जहां उन्हें आबाद होने की इजाजत मिली। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बनी इसराइल बहुत ताकतवर हो गए। हुकूमती उहदों से लेकर तिजारत और सियासत में भी इसराइलियों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हजरत याकूब 147 बरस के हुए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हजरत याकूब की रूह कब्ज कर लिया जाए, लिहाजा मुल्कुल मौत ने हजरत याकूब की रूह कब्ज कर ली। जब अपने वालिद की वफात की खबर हजरत यूसुफ को मिली तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और उनके बदन पर जो रेशमी लिबास था उसे पारा पारा कर दिया और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा, एकाएक आसमान के दरवाजे खुल गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हजरत याकूब के जनाजे की तरफ आए। उन्होंने हजरत याकूब के जनाजे को नूर से गुसल दिया और उन्हें बीतुल मुकद्दस में दफन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस रूहानी नजारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए। आप गमों से चूर थे। बाप की जुदाई अब आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहां तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत यूसुफ से फरमाया, ए यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो ची किस्तनी वसूफी भी तब वो आपका फड़स अरब के लिए वो गई राजसिनी को मौत के लिए माखली यार क्या कमत का तुम्हें तमल तीलिन की दी। टमोसलम ने वालिद की वफात के बाद फिर सर पर कभी ताज नहीं रखा, न कभी मुस्कुराए। हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर खुदा से मुनाजात करते। इस तरह 20 साल गुजर गए, यहां तक कि एक रात हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक उनसे कह रहे हैं कि ए यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतनी गिरिया विजारी की कि उनके वालिद हजरत याकूब ने भी 39 सालों में इतनी गिरिया विजारी नहीं की होगी। पुस तीसरे दिन मुल्कुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और आपके अब्बा वो अजदाद आपके मुंतजर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया और मुल्कुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो उन्हें घरेलू जारी करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल में वाविला मच गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके जनाजे को उठाया गया। मिस्रियों ने जनाजे को देखा तो शोर मच गया, हर जानिब से आह व फूगा की आवाजें बुलंद होने लगी। अब मिस्रियों का हर कबीला और गिरवा ये चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके और जमीन में दफनाया जाए ताकि उनकी बस्ती में खैर व बरकत हो।